योजना जो है एज यू नो इट हैज़ अ हिस्ट्री बिहाइंड इट 45 इयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस और इसकी जो सर्विसेज हैं दे आर मैनी फोल्ड. एक सर्विस तो बहुत जो काबिल सताइश और नागजीर समझी जाती थी जो इसने पूरी की है वो ये है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो यहाँ पर हैं और उनकी फैमिलीज जो हैं उनको इकट्ठा करना, एक कम्युनिटी डेवलप करना, इसमें अपना का जो रोल है आई थिंक दैट्स इनवैल्यूएबल. दूसरी अपना में जो बात है वो पाकिस्तानी फिजिशियंस का वर्ड है उसमें. अपना इज़ नथिंग विदाउट द वर्ड पाकिस्तान इन इट. सो पाकिस्तान अपना सर्विसेज टूवर्ड्स आर होमलैंड बैक होम उसके लिए भी अपना की सर्विसेज जो हैं वो गुनागु हैं, वो गिनवाई नहीं जा सकती. उसमें अगर आप देख लीजिए विद इन द कंस्ट्रेंट्स जो हमारी अंडर लॉ कंस्ट्रेंट्स हैं जो हम कर सकते हैं और जो हम नहीं कर सकते. अपना जो है वो पाकिस्तान की आउटसाइड पाकिस्तान सबसे बड़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. अमेरिका के अंदर ये दूसरी बड़ी एथनिक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन आपी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाद. तो हमारे जो अपना अपनी मुख्तलिफ कमेटियों के ज़रिए से काफ़ी पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर या जहाँ पे भी कोई ज़रूरत हो, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, फ्लड्स हैं, उस सिलसिले में हमारी सोशल वेलफेयर डिज़ास्टर रिलीफ कमेटी है जिसके ज़रिए से हम अपना रफाई का इस तरह के काम करते हैं. कोविड जो था उस दैट बेसिकली चेंज द एंटायर वे दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज वर्किंग. और 2019 में हमने जब कोविड स्ट्रक यूनाइटेड स्टेट्स, हमने एक अपनी एक टास्क फोर्स बनाई थी. उस टास्क फोर्स जो अभी तक काम कर रही है, अब हमने उसको सोशल वेलफेयर डिज़ास्टर रिलीफ कमेटी के साथ मर्ज कर दिया है. लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया. देयर इज लॉट ऑफ फंड्स. और जो फ्रंट लाइन के ऊपर जो फिजिशियन थे, शुरू शुरू के अंदर आपको याद हो कि बड़ी शॉर्टेजेस थी, जहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो थी वो लोगों को मैसर नहीं आ रही थी, डॉक्टरों को नहीं आ रही थी. तो हमने अपने रिसोर्सेज को जिस यूज़ करते हुए काफ़ी जो है इस तरह की पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है हमने चाइना से और दूसरी जगह से मंगवा के अपने फ्रंट लाइन फिजिशियंस को हमने दिया. वो ऐसा टाइम आ गया था जिससे पूरा हर जगह यानी जो नौकरियां जो थीं वो लोगों की ख़त्म हो गई और बहुत सारे काम थे. तो फूड की जो थी वो भी हमने काफ़ी मुख्तलिफ जो एनजीओ पाकिस्तान में जो लोकल है उनके साथ मिलके हमने बहुत ज़्यादा फूड सप्लाई के बारे में भी काफ़ी हमने काम किया. दूसरा जो है हमारा एडवोकेसी जो है वो हम एडवोकेसी हमारी जो कमेटी है पाकिस्तान से कोई तकरीबन हर साल 300 से 350 के दरमियान फिजिशियंस जो हैं वो उनकी मैच होते हैं और वो रेजिडेंसी के लिए आते हैं. और उनमें से काफ़ी सारे ऐसे हमारे रेजिडेंट होते हैं जिनको वीज़ा के इश्यूज होते हैं, उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती होती है. तो हमारी एडवोकेसी कमेटी जो है उसका बड़ा करीबी जो है उसमें हमने ताल्लुकात हमारे हैं, रिलेशनशिप म्यूचुअल जो हमने स्टेट डिपार्टमेंट के साथ बनाई हुई है. हमारे एडवोकेसी कमेटी के ज़रिए से उनके जो भी वीज़ा के इश्यूज़ होते हैं वो हम हल कराते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो वास्ट वास्ट मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको उनके इश्यूज़ हल जो हो जाते हैं और अपने टाइम के ऊपर वो अपनी रेजिडेंसियाँ शुरू करते हैं. इस साल थोड़े से ज़रा ज़्यादा हुए, लेकिन हमने जो मुख्तलिफ रेजिडेंट थे उनके प्रोग्राम डायरेक्टर्स को लेटर लिखे और उनसे कहा कि हम इस इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनके स्पॉट्स जो हैं उनको आप थोड़ा सा थोड़ी कुछ और अरसे के लिए रहने दीजिए. तो कुछ ही हफ्ते पहले हमारा पहला सेट ऑफ इलेक्शन हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो उसमें डॉक्टर आफताब खान बोर्ड के मेंबर मुंतखब हुए हैं और डॉक्टर तैयब राना बैठे हुए हैं उधर, ये भी हमारे बोर्ड के मेंबर बने हैं. वो हमारे तैयब राना साहब बैठे हैं, इस दफ़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर मुंतखब हुए हैं. ही इज़ एन अमेरिकन ग्रेजुएट एंड ए यंग फिजिशियन. तो वी हैव वन मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि जो जिन चीज़ की आप कमी का बता रहे थे वो दोनों चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करते हैं. नंबर वन, मेरी जितनी कमेटियाँ हैं इस साल आप उनमें देखें, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑल यंग फिजिशियंस.
हमारी वाईपीसी कमेटी का जो मेंबर जो चेयर है दैट इज़ नवीद सादिक, आई थिंक ही इज़ ग्रेजुएट ऑफ 2005-2006 का ग्रेजुएट है। सनाउल्ला इज़ ए चेयर ऑफ द स्कॉलरशिप कमेटी, ही इज़ अ यंग फिजिशियन। नुमान अशरफ इज़ अ लियाकत मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट है, यंग फिजिशियन। सो आप अगर मेरी देखें तो मैंने तो पूरी पहले दिन से मेरा ये ख्याल था कि आई हैव द लार्जेस्ट और द हाइस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल फिजिशियंस एंड यंग फिजिशियन इन माई कमेटीज। शाला इज़ द फर्स्ट फीमेल चेयर ऑफ होस्ट कमेटी फॉर समर मीटिंग, आज से पहले कोई खातून चेयर नहीं रही है। तो इट्स नॉट दैट कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और मैंने ये भी कोशिश की है कि मेरी हर कमेटी में से एक को चेयर जो है वो फीमेल हो। तैयब इज़ सिटिंग हियर, ही इज़ अ नॉर्थ अमेरिकन ग्रेजुएट, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस दैट ही इज़ सिटिंग इन द बोर्ड विद अस। एंड आई विल टेल यू दिस एज़ वेल, व्हेन द न्यू बायलॉज वर बीइंग फॉर्मुलेटेड देयर वाज अ सजेशन टू रिजर्व वन सीट फॉर नामा, नॉर्थ अमेरिकन मेडिकल एलुमनाई, एंड एक्चुअली इट वाज अपोज्ड बाय नोबडी बट नामा इटसेल्फ। They said, we don't want believe in quota system. We'll work our way through. And he is a living example of that. Dusra, jo hamare liye bahut kaafi fakhr wo hai ki for the first time in history where apna is proven that it is unbiased, is election of Joseph Emmanuel as treasurer. I wish he was sitting here. He was downstairs, upstairs at Ghamdi sahab ke usme tha. To ye aap musbat cheezon par jab aap dekhenge, अगर मनफी चीज़ों पर आप वो करेंगे तो बहुत शोर होगा, मचता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। भाई आके बैठो तो सही, अपना अच्छे काम कितने कर रही है। बाकी तो इख्तलाफ़ राय होता रहेगा, बोर्ड में भी होगा, काउंसिल में भी होगा, सब कुछ होगा। व्हेन यू आर पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इट हैपन्स एवरीवेयर। एंड द कल्चर एक्चुअली हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी भी चीज़ की, उसकी 10% ऑफ द अगर मेंबरशिप आ जाए, इट इज़ कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द गुड ऑर्गेनाइजेशन। अपना की हिस्टोरिकली जो मेंबरशिप है इट इज़ 15% to 20%, आई विल से इट गोज़ अप टू 25%। सो आपका ये जो सवाल था कि यार मेंबरशिप कम है, कम हो रही है, आई थिंक इट इज़ रियली अ गुड मेंबरशिप, नंबर्स आर गुड, एंड एक्चुअली इट इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर 50 to 375 मेंबर्स पर ईयर, लाइफ टाइम 50, 375 to 400 एनुअल मेंबर्स, सो दैट इज़ वेरी गुड साइन। हमारे 34-37 चैप्टर्स, 30 चैप्टर्स रहे हैं जो कि लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं। जो अगर आप शिकागो को देखें, वाशिंगटन डीसी को देखें, न्यूयॉर्क को देखें, जो भी कोई लोकल मसला आता है, लोग कहाँ पे जाते हैं, या डॉक्टर साहब को आवाज देना ज़रा, या ज़रा उस डॉक्टर साहब को आवाज देना। सो वी हेल्प देम नॉट ओनली फॉर एज ए डॉक्टर, वी हेल्प देम फॉर देयर पर्सनल नीड्स। कोई भी पर्सनल काम हो वी हेल्प देम आउट, मस्जिद में कोई काम हो वी हेल्प देम आउट, पाकिस्तान में जलजिला आए वी हेल्प देम आउट, अफगानिस्तान में मसला हो रहा है वी हेल्प देम आउट। सो आई थिंक एज अपना एज ए ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डन मोर देन एनी ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द पाकिस्तान, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने की है। अपना हमारा यहाँ पे घर बन चुका है, घर में लड़ाई होगी, आपके सवाल थे लॉ सूट्स के बारे में, आई थिंक आई लाइक इट कि लॉ सूट होता है क्योंकि दिस इज़ ब्यूटी ऑफ द कल्चर, इट्स एन ओपन कल्चर। ओपन कल्चर में कभी आप किसी को दबा नहीं सकते, आप उसको मौका देते हैं अपने पोजीशंस को बयान करने का, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। हमने अब लॉ सूट के ऊपर बैन तो नहीं लगा सके, लेकिन हमने उसको ये रख दिया है कि हम प्रोसेस बना के कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर के जैसे अरुण भाई ने किया इस साल काम, और रिहान भाई अगले साल करेंगे। एस्टिमेट्स के मुताबिक अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यानी यूनाइटेड स्टेट्स में कोई 17,000, कोई 3,000, कनाडा के अंदर तो 20,000 हमारे फिजिशियंस हैं। उसके मुकाबले में अगर आप ही जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन देखें तो उनके 80,000 से भी ज़्यादा फिजिशियंस हैं अमेरिका के अंदर। तो हमारे अपना की जो मेम्बरशिप है उसमें हमारे पास कोई तकरीबन 2500 से ज़्यादा लाइफ टाइम मेम्बर हैं, और बाकी जो एनुअल मेंबरशिप होती है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन के किस जगह पे आपकी समर मीटिंग हो रही है, तो वहाँ के लोकल लोग जो ज़्यादा आते हैं वो मेंबर बनते हैं, और मुख्त तरीक़ों से। तो कमोबेश हमारे पास जो डाटाबेस होता है उसमें
5-6 हज़ार ऐसे फिजिशियन हैं जो कि वन टाइम और दूसरे एनुअल मेंबर रहे हैं। तो आप AMA को देख लें, मतलब इस अमेरिका के अंदर कितने फिजिशियंस हैं, एवरीवन इज नॉट पार्ट, मतलब एक वो हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारी जो कोशिश होती है, हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं अट्रैक्ट करने की। जिस चीज़ में हम से थोड़ा सा हम पीछे रह गए हैं, वो जो यंग फिजिशियंस हैं, जो लोग 2000 के बाद के ग्रेजुएट हैं, उनकी जो अपना के अंदर इन्वॉल्वमेंट है वो कम है, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इस साल भी हमने काम किया, अगले साल भी इंशाल्लाह ताला हम काम करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे जो लोग एज ए रेजिडेंट आते हैं, इट टेक्स देम अबाउट 10 to 12 years टू गेट अकम्पलिश्ड, सेटल होने में उनको इतना टाइम लग जाता है। आप आते हैं, रेजिडेंसी करते हैं, 3-4 साल की रेजिडेंसी होती है, फिर फेलोशिप करते हैं, फिर अब जूनियर फिजिशियंस हैं, और उसके बाद ये वो उम्र होती है जिसमें दीज फिजिशियंस स्टार्ट देयर फैमिलीज, तो उसमें प्रायोरिटीज़ जो होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। अब ये जो 2000 के ग्रेजुएट हैं, अब उसमें से देखिएगा कि आप ये 2020 में 2021 में से अब वो जो पिछले ग्रेजुएट्स हैं वो ज़रा ज़्यादा आना शुरू हो रहे हैं। तो ये एक साइकिल है जो चलता है। तो यस, मतलब है कि वी शुड हैव मोर फिजिशियंस, और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, हमारे होंगे। आप देखें कि पिछले को तकरीबन तीन चार साल से हमारी जो एक कल्चर अपना के अंदर था, उसके अंदर काफ़ी तब्दीली आई है। देर इज़ मच मोर अपना यानी कंजियलिटी हो गई है, लोग आपस में ज़्यादा, ये काफ़ी इस कल्चर में फ़र्क आया। बात यह है कि जहाँ पे अपना की जो लोगों के दिल में जो एक अपना मोहब्बत है और जो इन्वॉल्वमेंट है वो बड़ी शदीद है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो बड़े इस चीज़ को यानी हमारे कल्चर का भी आप हिस्सा देखें, कि आप बैक इन पाकिस्तान देखें जो पॉलिटिक्स में है, कि वी आर ऑलवेज आइदर वी सपोर्ट समथिंग 100% और वी जस्ट लाइक गो दी अदर वे। तो वही थोड़ा सा हमारे पास आता है कि लोग जो हैं वो इश्यूज रहे हैं, और मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, आप ही के अंदर देखें, मैं तो उसी की एग्जांपल दूंगा, उनके अंदर जो इश्यूज़ हैं वो हम लोगों से कई गुना ज़्यादा है। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स ए सेकुलर नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप ही की मिसाल देते हैं, अगर हमारे पास 208 ईयर के फनकार हों, हम कभी भी ना बुलाएं इंडियन को। आप हमारे फनकार जो हैं, आप देखिए राहत फतेह अली, आतिफ असलम, अली जफ़र, फिर ब्रेक लग जाती है, दैट्स इट। और उनमें से अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे पता था ये सवाल आएगा। दिसंबर में आई वाज सो हैप्पी कि भाई ये हमारी मीटिंग जो है, इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मीटिंग, जो कि इंशाल्लाह ताला अभी भी होगी। वी हैड साइंड विद राहत फतेह अली फॉर सैटरडे, आतिफ असलम फॉर फ्राइडे, एंड अली जफ़र फॉर थर्सडे। जब ये जनवरी फरवरी आया तो मैंने टीपू से कहा कि भाई हमारे पास अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया, और जब हमने पता किया तो पता चला जी राहत फतेह अली साहब तो आ ही नहीं सकते। आप ये देखिएगा कि अपना में बिलाशुबा इख्तलाफ राय भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन अपना से मोहब्बत जो है एक फरीक की या दूसरे फरीक की ख़त्म नहीं हुई। ज़िलाफ मुनीर भी आती है अपना में जब उसके पास टाइम होते हैं, और महमूद आलम भी आते हैं, और दोनों दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एज वेल। इसी तरह बाकी जिन लोगों के इख्तलाफात थे, ठीक है, हम लोग कभी कभी थोड़ा अपनी उसके क्लेरिफिकेशन के लिए, या कोर्ट केसेस भी हुए, सब कुछ हुए, एवरीथिंग हैज़ बीन सेटल्ड, कोर्ट ने कभी कोई फैसला ही इस सिलसिले में नहीं किया। जहाँ तक उसका ताल्लुक है, हम अपने आप को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से साथ नहीं मिलाते, लेकिन अपना बावजूद इसके कि अपना इज़ अ मच स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन देन अदर सिमिलर एथनिक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आई थिंक अपनाज अचीवमेंट्स आर फार मोर देन दैट, एंड आई विल गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दैट। आपके इलम में ये होगा या नहीं होगा कि AMA में एक मूवमेंट शुरू हुई थी, जहाँ पर ये करने की कोशिश की गई थी कि डॉक्टर्स जो यहाँ पर आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फॉरेन ग्रेजुएट्स, उनकी डेजिग्नेशन MD की जगह कुछ और रख दी जाए, जिस तरह DOs की अपनी डेजिग्नेशन होती है। अपना टुक अ स्टैंड ऑन दैट,
उन्होंने आप ही को मिलाया अपने साथ, उन्होंने फिलिपीन के डॉक्टर्स को अपने साथ मिलाया, एंड बिकॉज ऑफ अपना लीडिंग दोज एफर्ट्स, दैट एफर्ट बाय सम वेस्टर्न क्वार्टर्स वाज डिफीटेड। ये हमारी वो है, हिस्ट्री है उसके लिए, फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। इसी तरह अपना की और भी है, वी अभी ये जो यंग फिजिशियंस का वीज़ा आ रहा है, ECFMG से किसी ने कॉन्टैक्ट किया, इट इज़ वेरी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट, ECFMG से किसी ने कॉन्टैक्ट किया कि भाई मेरी रेजिडेंसी हो गई है लेकिन मेरे वीज़े में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है अपना, आप उससे जाके कॉन्टैक्ट कीजिए, नॉट पाकिस्तानी फिजिशियन, फ्रॉम अनदर कंट्री विद इन एशिया। और उन्होंने अपना की एडवोकेसी कमेटी के साथ रब्ता कायम किया, क्योंकि एक काम हो रहा है, वी पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, हमारी एक आउटसाइज वो है, हम अपने कद से बढ़कर काम करते हैं और हमको उस पर बहुत फख्र है। छोटे मोटे इख्तिलाफात ये आते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि अपना का वजूद नागजीर है, अपना का मुतबादिल कोई नहीं है। हम जो यहाँ पर ये आज 3,500 लोग आए हुए हैं हर कोने से, दे अंडरस्टैंड दैट। हमारी मेंबरशिप, आपने पूछा कि 10 अपना की मेंबरशिप क्यों नहीं है, अगर अपना की मेंबरशिप भी नहीं है लेकिन वी रिप्रेजेंट, प्राउडली रिप्रेजेंट ऑल दोज हु आर ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट, इवन नॉन मेंबर्स ऑफ अपना। जब पश्तों की एक मिसाल है, उसका रफली ट्रांसलेशन इस तरह होगा, जब बाजू टूटता है तो गले में आता है। जब भी किसी को नॉन मेंबर को प्रॉब्लम होती है, दे रीच आउट टू अपना, एंड अपना हैज ऑलवेज हेल्प्ड, सो दैट वी हैव सम प्राउड अचीवमेंट।